अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो न्यूट्रिएंट फैक्ट्स का सेक्शन है जिसके अंदर मैं वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह का और हर्ब वगैरह का और फूड आइटम जो होते हैं उसके बारे में आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, इनके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के लिए जो फ्रूट सेलेक्ट किया है वो फलों का बादशाह है, स्पेशली जनूबी एशिया में साउथ एशिया के अंदर ये फलों का बादशाह कहलाता है। और बहुत ही जब पक के तैयार हो जाता है तो बहुत ही स्वीट यमी मज़ेदार होता है, इसका जायका बहुत अच्छा होता है, देखने में भी खुशगवार होता है, खुशनुमा लगता है। दोस्तों इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और फरहत बख्श होता है। चलें दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए मैंगो यानी आम के बारे में मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट्स इसके और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी। तो दोस्तों जो मैंगो यानी आम के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है यानी रेशा, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, फोलेट पाया जाता है, विटामिन के और पोटाशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है, और तकरीबन हर किस्म का जो इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो कैंसर का शिकार हैं, कैंसर के दूसरे स्टेज पर या थर्ड स्टेज पर हैं, अगर वो आम को इस्तेमाल करें तो इवन देन अगर कैंसर से बचना भी चाह रहे हैं, वो कैंसर नहीं भी है किसी को, तो अगर अपनी खुराक के अंदर आप आम को शामिल करेंगे तो आपको ये कैंसर से महफूज रखता है। और अगर आप सेकंड स्टेज में या फर्स्ट स्टेज में या थर्ड स्टेज में भी पहुंच चुके तो दोस्तों जो कैंसर के खलियात है उसे ये तबाह कर देता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें रात का अंधापन है, नज़र नहीं आता, दिन की रोशनी के अंदर भी उन्हें प्रॉपरली सही नज़र नहीं आता, उनकी नज़र कमज़ोर है, अगर वो अपनी खुराक के अंदर पका हुआ आम शामिल करें, अच्छी क्वालिटी का आम इस्तेमाल करें, हफ्ते से 15 दिन के अंदर ही उनकी आंखों की चमक तेज़ हो जाती है, आंखों की रोशनी तेज़ हो जाती है, स्पेशली रात का जो अंधापन है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों ऐसे लोग जो कोलेस्ट्रॉल का शिकार है यानी ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ हैं, आर्टरीज़ के अंदर जो है ब्लॉकेज है, चर्बी जमी हुई है, फैट्स जमे हैं और उनके आर्टरीज़ ब्लॉक है, अगर वक्त अगर अपनी खुराक के अंदर वो शामिल करें तो उनके जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल वो ख़त्म हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल प्रमोट होगा, और जितने भी आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज है, चर्बी है, क्लॉट्स जमे हुए हैं, क्लॉग्स है कोई, तो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। दोस्तों अगर इसे मॉडरेट मकदार में इस्तेमाल किया जाए, दूध के साथ मिक्स करके मिल्क शेक बना कर पिया जाए तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को लाल सुर्ख करेगा, चमकदार बनाएगा, खून पैदा करेगा, खून की जितनी भी कमी है उसे दूर करेगा। दोस्तों अगर इसे मुनासिब मकदार में लें तो जिल्द को चमकदार और खूबसूरत बनाता है। दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज अल्कलाइन है, अगर आपके जिस्म के अंदर तेजाबियत है तो तेजाबियत को ये दूर करता है अपनी अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ की वजह से। और शुगर के मरीज इसे मुनासिब मकदार में लें यानी हाफ के करीब आम पूरे दिन में खा लें तो उनकी जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल रहती है और इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है, ऐसा सा उनकी शुगर भी ख़त्म हो जाती है। तो इसे आपने मॉडरेट मकदार में आप शुगर के जो मरीज है इसे खा सकते हैं। दोस्तों ऐसे मेल जो जिनसी कमज़ोरी का शिकार हैं, जिन्हें मर्दाना बांझपन है, औलाद के काबिल नहीं रहे और उनके जो हार्मोन्स वीक हैं और जो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम है, तो अगर अपनी खुराक के अंदर वो आम को शामिल करें तो जितनी भी उनकी मर्दाना कमज़ोरी है दूर हो जाएगी। तो दोस्तों जिनसी सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा है, मनी को इंक्रीज़ करता है, थिक करता है, बढ़ाता है और मर्दाना कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करता है। दोस्तों इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है यानी रेशा, ऐसे लोग जिन्हें कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, मैदा डाइजेस्ट सही नहीं करता, अगर इसे आप मुनासिब मकदार में लेंगे तो आपका यह खाना भी हज़म करेगा और आपकी आंतों को साफ़ करेगा, आंतों के अंदर से जितनी भी इन्फेक्शन है, कैंसर वगैरह है मुख्तलिफ किस्म के दूर करेगा। तो जितने मर्दाना अमराज है, स्पेशली जिनसी अमराज हैं, तो उसकी जो जड़ है वो कब्ज़ होती है, इस वजह से आप इसे अपने खुराक के अंदर शामिल करें स्पेशली मेल हजरात। तो ऐसे लोग जिनकी जिल्द के ऊपर एक्नीज हैं और डेंड्रफ है, खुश्की रहती है जिस्म के ऊपर, सर के ऊपर भी खुश्की रहती है, बाल कमज़ोर हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था जिल्द के ये बहुत अच्छा है, पिंपल्स को और एक्नीज को ख़त्म करता है, अगर मुनासिब मकदार में लिया जाए इसे दूध के साथ शामिल करके तो ये तमाम बीमारियों को दूर करता है, बालों को मजबूत करता है और दोस्तों जड़ से काले से बालों को उगाने में मदद देता है। और दोस्तों इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये जैम शैली और जितनी भी कैंडीज़ के अंदर भी इसका जो है रस इस्तेमाल होता है। और ऐसे बच्चे जो ज़हनी तौर पे कमज़ोर है, कुंद ज़हन है, या ऐसे ज़ईफ़ लोग जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, तो इमदन जवानों के अंदर भी, तो जितनी भी किस्म की मेंटल आपके इशू है, ब्रेन को ये ताकत देता है,
दिमागी सलाहियतों को उभारता है और जितनी भी आपकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है उसे बहाल करता है। चले दोस्तों, ये तो थे मैंगो के यानी आम के बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी मुनासिब जो मकदार है वो आप इसे मैक्सिमम एक पाव के करीब खा सकते हैं, यानी 250 ग्राम के करीब मैक्सिमम खा सकते हैं, या एक मुनासिब साइज़ का एक आम जो आप खा सकते हैं। उसके साथ में आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची लस्सी पी लें, या एक आम को काट के छील के उसका शेक बना के पी लें, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स जो मैंने बताए हैं तो मिल जाएंगे। अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी 1 किलो के करीब आप आम खा लेंगे, या 500 ग्राम किलो को नहीं सूट करता, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है प्रॉब्लम हो सकती हैं। दोस्तों, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपको डायरिया हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है, आपकी शुगर लेवल जो है तेज़ हो सकती है, और दोस्तों आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, रैशेज़ हो सकते हैं, ख़ारिश हो सकती है, दाने निकल सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा, तो रनी नोज़ हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है आपको, और आपको इसके अलावा पेट के अंदर दर्द भी हो सकता है, यानी मरोड़ हो सकता है, और छींकें स्टार्ट हो सकती हैं। इस वजह से आपने इसे मुनासिब लेना है। इससे ज़्यादा जितनी मैंने मकदार बताई है मत खाइएगा। कई लोग इससे ज़्यादा मकदार में ले लेते हैं और फिर बाद में इसी जो है प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, स्पेशल पेट ख़राब करता है ये ज़्यादा खाने से, क्योंकि इसमें रेशा बहुत ज़्यादा होता है, यानी फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फलों के बादशाह के यानी मैंगो आम के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर मज़ीद आप मैंगो आम के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के अंदर क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हमारा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, बच्चों के लिए, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मैंने एक नया चैनल और शुरू किया डेली लाइफ के हवाले से अपने, तो अजीम लाइफ के नाम से है, डेली रूटीन्स में मैं शेयर किया करूँगा, तो आपने उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मेरे तीनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दे, ओके, जल्द हाफिज़, टेक केयर।